कैसे कैसे आप सब लोग ब्यूटीफुल मेघा की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी एग्जैक्ट वही पाया जो लिखा हुआ था। ये है मेघा की सक्सेस स्टोरी। चलिए देखते हैं कि क्या लिखा है मेघा ने। हाय मैम, आई एम मेघा। हाय मेघा, थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, आई लव यू सो मच। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लास्ट वीक से ही पता चला है एंड थैंक यू यूनिवर्स, आपकी वजह से ही मुझे ये पता चला है मैम। वैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई सालों से अप्लाई कर रही थी अपनी लाइफ में, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये कोई लॉ है। कुछ दिनों से मेरे माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे और मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई थी। पता नहीं यूट्यूब पर कहां से आपकी वीडियो मेरे सामने आ गई और मैंने देखा और जाना कि पता चला ये तो कोई लॉ है और ये एक ऐसा लॉ है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। मैं इसे 10th स्टैंडर्ड से अप्लाई करती थी। मैंने 10th स्टैंडर्ड में अपनी बुक के टेबल के ऊपर 91% लिखा हुआ था, बस ऐसे ही लिख दिया था कि मुझे 91% लेकर के आने हैं। और जब भी मैं वहां से बुक उठाती अक्सर उसको देखती स्माइल कर देती एंड 10th स्टैंडर्ड में सचमुच में मुझे 91% मार्क्स आए थे। फिर 12th स्टैंडर्ड में मैंने लिखा 97% और बस इसी तरह से जब भी मैं वहां से बुक्स उठाती स्माइल करती कि 97% और गहरी स्माइल के साथ में सचमुच में आगे बढ़ जाती और मुझे 12th स्टैंडर्ड में 97% ही मार्क्स आए। लास्ट में मैंने एमकॉम सेमेस्टर 3 का एग्जाम दिया, ऐसे ही अपनी बुक के पीछे लिखा हुआ था 75%, बस ऐसे ही लिखा था। बहुत ज्यादा लेक्चर्स में अटेंड नहीं कर पाई थी, मुझे बहुत कुछ तो नहीं समझ में आ रहा था लेकिन फिर भी मैं अपने लेवल से पढ़ रही थी। मैंने ऐसे ही 75% लिख दिया और सचमुच में मुझे 75% आए। मैं उसको अक्सर वैसे ही देखा करती थी और स्माइल कर देती थी। मेरी एक फ्रेंड थी जो ट्यूशन भी पढ़ रही थी लेकिन उसके आए 73%, मुझे बिना ट्यूशन के ही आ गए 75%। और ये सब मुझे आपकी वजह से रियलाइज हुआ है कि ये सब कुछ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता है। थैंक यू दी, आपकी वजह से मुझे ये टेक्निक्स के बारे में पता चला और अब मैं इसे कॉन्शियसली फॉलो कर सकती हूँ। 1 वीक से मैं ग्रैटिट्यूड फॉलो कर रही हूँ। मुझे अपने अंदर एक नई ऊर्जा और पॉजिटिव थिंकिंग महसूस हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू यूनिवर्स कि उसने मुझे आपसे मिलवाया। अब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी विश पूरी होंगी क्योंकि अब मुझे पता है कि इसे कैसे फॉलो करना है और मैं इसे पहले फॉलो करके देख चुकी हूँ और मैं अपनी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। मुझे पूरा ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर और जल्द ही आएंगी ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज। आई लव यू दिया, आई लव यू सो मच। वाओ मेगा, बहुत ही क्यूट सी सक्सेस स्टोरी थी आपकी। लिखा आपने, जितना परसेंट आपने लिखा उतना परसेंट आपको आ गया। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी अपने स्कूल की बुक्स के ऊपर है ना लिख देती थी कि इस सब्जेक्ट में मुझे कितने मार्क्स आएंगे। ऐसा होता है ना, पासिंग मार्क्स आते हैं, इतने मार्क्स पर इतना हो जाता है, तो मैं अपने लेवल से ना बहुत बढ़ा चढ़ा करके ना मार्क्स लिख देती थी और वो बढ़े चढ़े के ना 5% के अंदर अंदर मार्क्स मेरे आ जाते थे। तो मुझे पता है कि ये लॉ ना बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। हाँ, इसके साथ साथ आपको ना बहुत ज़्यादा फोकस स्टडी की जरूरत पड़ती है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और अपने माइंड के अंदर आपने इस चीज को लगा लिया है कि आपके इतने परसेंट आ रहे हैं और बहुत खुश हैं आप, स्माइल करते हैं, जैसा कि मेघा ने लिखा कि जब भी देखती थी उसको तो स्माइल करती थी और जब इनके सामने वो रिजल्ट आया होगा तो वो स्माइल आ ही गई होगी। जब इन्होंने देखा होगा इतना परसेंट ही आया है मुझे और वो स्माइल आ ही गई होगी। 110% ये लॉ काम करता है अगर आप इसे बहुत पॉजिटिव होके हैप्पी हो करके फॉलो करते हैं और दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं लेकर के आते हैं। अब इन्होंने जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया तो वो बहुत इजीली लेट गो हो रहा था क्योंकि अपनी विश को ये पकड़ करके नहीं बैठे हुई थी, क्योंकि पता ही नहीं था कि इतने परसेंट ही मार्क्स आने वाले। मैंने तो बस ऐसे ही लिख दिया और वो मार्क्स वैसे ही आ भी गए। तो अगर आप भी स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि इतनी परसेंटेज आपको आए तो आप बिल्कुल इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। जैसे इन्होंने 91% लिखा, आप भी वहां पर 91% लिख सकते हैं, 97% लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, टॉपर लिख सकते हैं, आप जो चाहें लिख सकते हैं। फिर उसी लेवल की आप पढ़ाई भी कीजिए और आपको टॉप करना, 91% लाना, 97% लाना, 100% लाना,
पक्की बात है हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अपने माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से खींचे ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।